आया छेदी सिंह। हाँ आ गया, चलो छेदी सिंह अंदर आओ। तुम तीनों क्लास 10 में पढ़ते हो ना? अच्छा, तीनों से वो क्वेश्चन है, एक पैर पे खड़ा होना है 5 सेकंड तक, हो जाएगा? और नहीं होगा तो 500 रुपया ले देना होगा तुमको, और हो गया तो 500 हम देंगे। हो जाएगा जी, खड़ा लो 5 सेकंड, 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड हो जाएगा। अरे रुक जाओ, धैर्य रखो। कंडीशन ये रहेगा कि हम बताएंगे खड़ा कैसे होना है, ठीक है? अब तुमको बताएगा, जाओ तो कौन बताएगा? अमित जाके बताओ कैसे खड़ा होना है। तो पैर मत उठाना, खाली तुम बता देना। चलिए जाइए, चलिए विनाश ट्राई करो, पैर छुटाइए दीवार में। तब मोबाइल हटा दो, मनीष उठाइए मोबाइल, हटा दीजिए तो गिर जाएगा नहीं तो। चलिए उठाइए पैर, उठाना तो गिने गए, पांच तो गिनना है, 5 सेकंड। अरे ये क्या हो गया, तो धोखा हो गया। दीवार में सट के जाने, तुम सटा कहाँ, तुम तो उधर चला गया। हाँ चलो अविनाश, अविनाश हट जाइए आप, मनीष ट्राई करेगा। चलो अब छेदी सिंह करेगा। चलो चंदन चलो। अच्छा अब बताओ क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे खड़ा हो, नॉर्मल में खड़ा हो जाओ तो नॉर्मल में आराम से हो जाएगा, 1 मिनट तक रह जाएगा। दीवार में सटने के कारण क्यों नहीं रह गए हो? नहीं, किसी भी चीज को उठाते हैं, कोई भी सामान अगर उठाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास बनता है नीचे, क्या ग्रेविटेशन फोर्स, सेंटर ऑफ मास गड़बड़ हो रहा है, दीवार में सट गए तो होगा बैलेंस नहीं बैलेंस होगा। इसी कारण आप लोग एक पैर पे दीवार में सटने के बाद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तीनों मिलकर 5500 रुपया दे देना, 1500 रुपया हो गया। चलेगा पार्टी, चलेगा ना पार्टी? वाह, तब 1500 रुपया तीनों आ रहा है तो ऑन कैमरा, ठीक है? हम तो डाल देंगे वीडियो कल, परसों चला जाएगा यूट्यूब पे। 1500 रुपया तीनों हारा है, 5500 रुपया ले लेना है तीनों से। पहले आप कंडीशन बताते, कंडीशन बाद में बताते हैं ना, तुम कैसा इसे बोल दिया, इतना आसान में, इतना आसानी से हम 500 रुपया तुमको दे देते हैं। तुमको सोचना चाहिए, तीनों में तीनों बन गया, कौन सिंह बन गया, तीनों छेदी सिंह बन गया। चलो गुड मॉर्निंग पीपी, तो लंबा रूट में चला गया। कौन है ये, कौन है? हम है, हम का नाम क्या है, हम का नाम क्या है, नाम बताइए, क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका, नाम क्या है आपका नाम बेटा? हमको नाम अल्पना भारती है। नहीं, अल्पना भारती। अच्छा आपका नाम अल्पना भारती है, तो मम्मी को क्यों खोज रहे हैं? तो मम्मी पैदल आ रही है घर से ना, अब आप तो आए गाड़ी से, अब गाड़ी से आए ना स्कूल, मम्मी पैदल आ रही है, तो पैदल आ रही है तो थक जाएंगी मम्मी ना, तो थक गई है तो रुक के बैठी हुई आराम कर रही है, बोली 1 घंटा और लगेगा आ जाएगी। हाँ तो आ रहे हैं बेटा, तो आ जाएंगी, अभी थक के आराम कर रही है, धीरे धीरे आ जाएगी, तो रोना नहीं, अब नहीं रोइएगा, गंदी बात ना, रोना नहीं है। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना,
देखो भैया, देखो एक छोटा बच्चा यह है। खुशी इधर आइए, खुशी नहीं आएगी अब। खुशी कहाँ गई? खुशी खुशी पकड़ के लाओ। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटी बच्ची है। दीदी भी पढ़ती है ना स्कूल में, भैया भी पढ़ते हैं ना स्कूल में। हाँ तो रोना नहीं है ना। दीदी का स्कूल कहाँ है? दोनों स्कूल मेरा ही है ना बेटा, वो भी स्कूल है ये भी स्कूल। हाँ ये बच्चा वाला स्कूल है और वो बड़ा वाला स्कूल है ना। हाँ ये छोटा वाला स्कूल है। हाँ तो इसलिए तो आपको आए, पता चला कि आप रो रही हैं, इसलिए आए आपको हंसाने के लिए। कल नहीं आएंगे? कल नहीं आइएगा? नहीं कल आएंगे। अच्छा तो रोइएगा नहीं ना अब? नहीं। चलिए गुड गर्ल, ठीक है जाइए पढ़िए, एक घंटा में मम्मी आ जाएगी, जाइए पढ़ने जाइए। तो जाइए बाय, चल जाइए जाइए बैठिए, जहाँ बैठते हैं वहाँ जाके बैठिए। ये है क्या बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, होगा तुम्हारा पिटाई।